तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ विप्रो की तरफ से। विप्रो की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और वैकेंसीज पर काफी टाइप की आउट हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों फ्रेशर से अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस चाहते हैं वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ आपकी ड्रीम कंपनी विप्रो की तरफ से। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आउट है, पोस्ट वाइज क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित, आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ जो कि आपके बिल्कुल ड्रीम कंपनी विप्रो की तरफ से बिल्कुल नई वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल के लिए अपडेट आया हुआ है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में बताऊँ, काफी टाइप की वैकेंसी इस बार आउट हुई है, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, दो चीजें आपने ध्यान से समझनी है। पहली, आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई सक्सेसफुली कैसे करना है, सारी चीजें आपकी इसी पे डिपेंड करती है। सेकंड चीज, बहुत इजीली सिलेक्शन हो रही है, कैसे होनी है वो भी आपको समझाऊंगी। ये दोनों चीजें ध्यान से समझना, वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी सबमिट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी ऑफिशियल साइट glory.com जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, हमारी साइट को गूगल पे सीधा टाइप करें, पहले नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए ज्यादा टाइम भी लेंगे, सीधा बात करेंगे विप्रो की नई जॉब वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन एंड अप्लाई, ये दोनों चीजें ध्यान से समझिएगा, अगेन रिपीट करियो ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। बहुत इजीली सिलेक्शन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझ लेना, वीडियो को लास्ट से देखना, प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके नए अपडेट लेकर आने का। तो बात करें यहाँ विप्रो के बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, ये जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट विप्रो की तरफ से आया, अप्लाई ऑनलाइन करना है, अप्लाई शुरू हो चुका है, ऑल इंडिया मेल फीमेल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब इंडिया पोस्ट ऑफिस की, एक प्राइवेट डिपार्टमेंट मतलब अमेज़न की, ये दोनों लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है। ये दोनों वीडियोस आपको इसके बाद इवनिंग में मिलेंगे हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीत शर्मा, यूट्यूब मिंडा मीत शर्मा चैनल, ये बैनर है आपको देखने को मिल जाएगा, यही हमारा चैनल है, जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करें विप्रो की नई वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे जो वैकेंसीज है अलग अलग प्रोफाइल के लिए आई हुई है। फी के बारे में यहाँ बात करें, कोई फी नहीं देनी है आपको, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से चाहे रिजर्व कैटेगरी से है, विप्रो कभी भी आपको किसी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए पे करने को नहीं बोलता। जब आप इनकी साइट पे जाएंगे वहाँ सीधा मेंशन है, तो किसी को कुछ पे नहीं करना, फ्री में अप्लाई करना है। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, अलग अलग प्रोफाइल की वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पे लोकल लैंग्वेज एसोसिएट, उसके बाद कस्टमर सर्विसेज के लिए है, उसके बाद वॉइस प्रोसेस की वैकेंसीज आउट हुई है। इन वैकेंसीज में खास बात यह है कि आप में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई यहाँ कर सकता है इन प्रोफाइल के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज आपके 18+, जितने भी आप अप्लाई करें। अब यहाँ पे सिलेक्शन आपको पोस्ट वाइज कैसे मिलने वाली है आगे समझाऊंगी, जब मैं आपको अप्लाई का बताऊंगी और डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। हर प्रोफाइल की हम यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर लेते हैं पहले लिंक पर क्लिक करके, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको हर चीज डिटेल में समझ आ पाए। पहले लिंक पे जब क्लिक करेंगे, पहले ये जो प्रोफाइल है कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की है, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 0 मतलब फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज यहाँ देखिए 2.25 से 4 लाख पर एनम का, एनम का यहाँ पे आपको पैकेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम देखिए आपका क्या रहेगा, एज ए कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट आपको यहाँ पे काम करना है, आपको विप्रो के बिहाफ पे जो भी इनके क्लाइंट है, जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी क्वेरी है ओवर द कॉल एंड चैट, ठीक है, आपको रिजॉल्व करनी है। आपको कॉलिंग पे भी हो सकती है, चैट के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आप अप्लाई इसके लिए कीजिए। 5 डेज वर्किंग जॉब है, 2 आपको वीक ऑफ इसमें मिलने वाले हैं, वीक में 24/7 आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबल शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 आवर्स की शिफ्ट आपकी डेली होगी, जिसमें 8 आवर्स आपको काम करना है, 1 घंटे की ब्रेक मिलेगी। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है।
लेकिन इसमें आपको इमीडिएट अगर ज्वाइन कर सकते हैं जरूर अप्लाई कर लेना। ये पहली प्रोफाइल है, अब मैं आपको सेकंड थर्ड पे लेके चलती हूँ, फिर बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। सेकंड जो प्रोफाइल है वो भी आपके कस्टमर सर्विसेज की ही है, लेकिन इसमें पैकेज अलग है। देखिए यहाँ पे एक साल का एक्सपीरियंस है इस वाली प्रोफाइल की, पहली है फ्रेशर की है। अब इसके लिए पैकेज देखिए यहाँ पे 3 लाख पर एनम तक का है। वर्क की अगर वो आप बात करें, ये वाला जो है आपका इनबाउंड आउटबाउंड का ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, मतलब आपको कॉल आ भी सकते हैं क्लाइंट की, आपको करनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा, कि जो भी उनकी क्वेरी है या आपने उनको कुछ प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ आपके पास वॉइस के या फिर बैक ऑफिस के स्किल्स है, तो आप अप्लाई करिए, क्योंकि बैक ऑफिस का वर्क भी है यहाँ पे है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोफाइल के लिए आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये सेकेंड है। अब थर्ड प्रोफाइल के बारे में बात करें, ये भी फ्रेशर की ही है, जहाँ पे ये जो वैकेंसी था वॉइस प्रोसेस के लिए आउट हुई है। यहाँ पे अगर बात करें काम आपका क्या रहेगा, इसका भी सेम ही आपका वर्क रहेगा, बस प्रोसेस का फर्क है यहाँ पे, वो कस्टमर सर्विसेज का है बेसिकली, ये वॉइस प्रोसेस का ही है। उसमें बैक ऑफिस की भी है, कॉलिंग का भी है, इसमें आपका कॉलिंग का है काम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इसमें भी इसी तरीके से है, इंटरेक्ट करना है जो भी इनके क्लाइंट हैं, आपको कॉल आ भी सकते हैं, आपको करना भी हो सकता है, उनको बुलाया आपको बताना है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है, कुछ नए चेंजेस आए उसके बारे में बताना है, उनकी आपको कॉल आ सकती है, कोई भी उनकी क्वेरी है, ठीक है, वो आपको रिजॉल्व करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इसमें सारा कुछ लिखा है, गुड कस्टमर सर्विस स्किल्स होने चाहिए, मतलब आप कस्टमर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, स्किल्स आप में है, जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। फ्रेशर्स है तो अप्लाई आप जरूर करिएगा इन वैकेंसीज के लिए, कोई भी आप में से यहाँ अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करना है, ये तो थर्ड वाली प्रोफाइल है, इसके लिए इन्होंने अपना सीधा ईमेल आईडी मेंशन कर दिया विप्रो की, यहाँ पे इनको आपने लेटेस्ट रिज्यूमे सेंड करना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए। ये पहली प्रोफाइल का हो गया अप्लाई। उसके बाद ये जो सेकेंड प्रोफाइल है आपकी, जो मैंने आपको बताई है कस्टमर सर्विसेज की, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसमें इन्होंने अपनी मेल आईडी नहीं दी है इस प्रोफाइल के लिए, इसमें आपको क्या करना है, इधर लॉगिन टू अप्लाई करना है, इधर आपको रजिस्टर पहले करना है, यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर एंड अप्लाई पे। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे देखिए ये आपको बोला रजिस्टर एंड अप्लाई टू दिस जॉब, अपना नेम लिखिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड रखना है, यहाँ पे आपने खुद से अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अपनी आपको करंट लोकेशन यहाँ पे लिखनी है, लोकेशन आप एग्जैक्ट लिखिएगा, अगर ये वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाती है, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों तरीके की है, अगर होम मिल जाती है, अगर कंपनी ने कोई भी आपको एसेट्स वगैरह भेजने हैं, अगर कोई डेस्कटॉप है या कोई भी अदर आपको गिफ्ट वगैरह भी भेजने हैं, तो आपके आपका एड्रेस उनके पास होना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे लिखें, अदरवाइज आप यहाँ पे फ्रेशर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फीमेल है या मेल है वो लिखें, लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करके आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना नेक्स्ट यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना, कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी है वो सारा लिख के रजिस्टर एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे रखा है, ठीक है, उसको यूज करके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करके आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सेकंड प्रोफाइल होगी। अब जो फर्स्ट वाली प्रोफाइल है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। इसके लिए भी आपको इन्होंने एक तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये बिटली वाला जो लिंक आपको दिया है ना, अगर ये ओपन नहीं होगा इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है क्रोम में, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए अप्लाई प्रोसीजर अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ समझा दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हुआ या कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट आपने जरूर करना है, हमारी टीम बैठ के डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको इसलिए हमेशा बोलती हूँ हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी आए, प्राइवेट आए, कोई भी वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया हमारा चैनल, जहाँ पे आप पहली बार अगर आए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपके नियर बाय जो भी वैकेंसी आती है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कमेंट आप जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन।